28 नवंबर से लगातार बेमौसमी वर्षा के चलते गोंदिया तालुका के साथ ही संपूर्ण गोंदिया जिले में बड़े पैमाने पर धान के पूंजने और अन्य किसानों के फसलों का नुकसान हुआ था, जैसे कि चना, गेहूं, उड़द, जौ जैसे भी फसलों का नुकसान पहुंचा है, जिस पर विधायक विनोद अग्रवाल ने तत्काल किसान हित में 29 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी मुंबई में भेंट लेकर गोंदिया जिले में किसानों के नुकसान के बारे में अवगत कराया था और नुकसान में हुए फसल का तुरंत पंचनामा कर तत्काल मदद करने के हेतु निवेदन विधायक विनोद अग्रवाल ने दिया है। तदनुसार उसी दिन आयोजित कैबिनेट बैठक में निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासन को तुरंत पंचनामा करने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में विधायक विनोद अग्रवाल ने तहसीलदार गोंदिया को पत्र लिखकर तत्काल पंचनामा करने के निर्देश दिए और तहसीलदार ने आदेश निकालकर ग्राम सेवक तलाटी कृषि सेवक को गाँव आवंटित कर तत्काल पंचनामा करने का आदेश दिया गया। फिर भी कई गांवों के ग्राम सेवकों ने आज भी संबंधित गाँवों में नहीं पहुँचने की शिकायत मिली। तत्पश्चात विधायक विनोद अग्रवाल ने निर्देश दिए कि गांव का कोई भी किसान सहायता से वंचित न रहे, इसका ध्यान रखे तथा वैकल्पिक उपाय करे। जिन स्थानों पर संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे हैं वहां व्यवस्थाएं करने तथा तत्काल पंचनामा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विधायक विनोद अग्रवाल ने तहसीलदार, कृषि अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं पंचायत समिति के सभापति मुनेश रहांगडाले के साथ किसानों के साथ खेत में जाकर बड़ी मात्रा में कटे धान का एवं खड़ी धान की फसल, साथ ही साथ धान के पूंजने और अन्य फसल का निरीक्षण किया। विधायक विनोद अग्रवाल ने नुकसान की जानकारी प्रशासन को दी और कटे एवं खड़े धान के पंचनामे कर अधिक से अधिक नुकसान भरपाई किसानों को दिलाने हेतु प्रयत्न करने के निर्देश दिए हैं। साथ में कोई भी किसान मदद से वंचित ना रहे, इसकी भी खबरदारी लेने का विधायक विनोद अग्रवाल द्वारा कहा गया है। अगर किसी किसान का पंचनामा नहीं होने पर मुझसे संपर्क करें, ऐसा आह्वान भी विनोद अग्रवाल इन्होंने किया। पिछले 28 तारीख को बेमौसम भारी अवकाड़ी पहुँच के कारण बड़े पैमाने पर किसानों के धान फसल का नुकसान हुआ है और इसमें तुरंत 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर के हमने ये सब समस्या मुंबई में रखी थी। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन कैबिनेट में फैसला लेकर के संबंधित सभी प्रशासन की यंत्रणा को तुरंत में सभी पंचनामा करने के आदेश दिए थे। कल परसों से फिर भी बड़े पैमाने पर अपने यहाँ पर बेमौसम बारिश हो रही है और अभी हमने माननीय तहसीलदार साहब, अपने कृषि विभाग के अधिकारी, उसी प्रकार अपने ग्राम वीडियो, अपने वीडियो साहब, इनके साथ में हमने एक सिंपल के तौर पे यहाँ पर किसानों का किस प्रकार से नुकसान हुआ है ये उनके ध्यान निदर्शन में लाने का उनके काम किया है और आज जो पुंजने में जो धान है उसका भी बड़े पैमाने पर अपना नुकसान हुआ है। तो अभी प्रशासन के सभी लोगों को सूचना दी गई कि जिनके भी पुंजने के नुकसान हुए है उसके भी पंचनामा करके कोई भी जो नुकसानग्रस्त किसान है एक भी मदद से वंचित रहना नहीं चाहिए, इस प्रकार की सूचना दी गई है। अगर किसी के खेत में नुकसान हुआ है और उसका पंचनामा नहीं है तो निश्चित तौर पे आप मेरे मोबाइल नंबर पर या मेरे पीए के या अपने तहसीलदार साहब के मोबाइल नंबर के ऊपर में एक मैसेज बना करके अपना नाम किसान का और एक मोबाइल नंबर और गाँव का नाम इतना लिखे और उसमें लिखे कि हमारे यहाँ पर मेरे किसानी का अपने पंचनामा नहीं हुआ है, तो उसका संज्ञान लेकर के तुरंत में संबंधित वहाँ पर जो पंचनामा करने वाले अधिकारी है उनको वो मैसेज फॉरवर्ड करके सभी किसानों के साथ में न्याय करने का प्रयास किया जाएगा। आज जांभोरा या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानुसार पुजण्याचं देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे। तर आज माननीय आमदार महोदय यांनी केलेल्या सूचनेनुसार तसेच आम्हाला वरिष्ठांकडून प्राप्त सूचनेनुसार आम्ही पुजण्याचे देखील आजपासून पंचनामे सुरुवात करत आहोत आणि कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही याची देखील आम्ही दक्षता घेणार आहोत। गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।